ब्रायन लारा, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है और वो है रिकॉर्ड्स की। चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इस खिलाड़ी के कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। और आज के दौर में जैसी क्रिकेट खेली जा रही है उस नज़रिए से देखा जाए तो ये रिकॉर्ड्स टूटना अब नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा भी उनके नाम कई और भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें एक महान खिलाड़ी साबित करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए आज बात करते हैं इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में। ब्रायन लारा का जन्म 2 मई 1969 को त्रिनिदाद एंड टोबेको के एक शहर सेंटा क्रूज में हुआ था। उनका पूरा नाम ब्रायन चार्ल्स लारा है। वो अपने माता पिता के 11 बच्चों में 10वें नंबर पर है। उनके पिता का नाम बंटी लारा और माता का नाम पर्ल लारा है। लारा जब 6 साल के थे तभी उनके पिता ने उनके क्रिकेट के शौक को देखते हुए घर के नजदीक के ही हॉवर्ड कोचिंग क्लिनिक में उनका एडमिशन करा दिया। इस वजह से लारा को शुरुआत में ही बैटिंग टेक्निक की अच्छी समझ हो गई थी। लारा ने 13 साल की उम्र तक सेंट जुआन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए फातिमा कॉलेज गए, जहां उन्होंने अपने कॉलेज के क्रिकेट कोच रहे मिस्टर हैरी रामदास से क्रिकेट की बारीकियां सीखी। लारा को बचपन के दिनों में फुटबॉल खेलने का भी शौक था और वो इस खेल में भी काफी अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट को पहली प्राथमिकता दी और क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने निकल पड़े। 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल क्रिकेट लीग में खेलते हुए 745 रन बना दिए, जिसके बाद उनका सिलेक्शन त्रिनिदाद के अंडर 16 नेशनल टीम में हो गया। इसके तुरंत बाद वो वेस्टइंडीज के अंडर 19 टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। साल 1988 में उन्होंने त्रिनिदाद एंड टोबेको की तरफ से लीवार्ड आइलैंड के खिलाफ खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने दूसरे ही फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने बारबाडोस के दो महान और घातक गेंदबाजों जोएल गार्नर और मैलकम मार्शल के खिलाफ खेलते हुए 92 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाया। इसी बीच साल 1989 में जब लारा केवल 19 वर्ष के थे तभी उनके पिता का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पिता की मृत्यु ने लारा को अंदर तक झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो अपने पिता के काफी करीब थे। उनके पिता ही थे जो उन्हें अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे और उन्हें लारा को एक महान क्रिकेटर बनते हुए देखना उनकी चाहत थी। पिता की मृत्यु ने लारा के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का जज्बा भर दिया और उन्होंने सब कुछ भूलकर अपना सारा ध्यान क्रिकेट खेलने में लगा दिया। अपनी कठिन परिश्रम और शानदार प्रदर्शन की बदौलत आखिरकार वो साल 1990 में वेस्टइंडीज के नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी साल नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली पहले एकदिवसीय मैच में खेलते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। वो अपने डेब्यू एकदिवसीय मैच में केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। इसी साल दिसंबर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू टेस्ट में उन्होंने 44 रनों की छोटी पर उपयोगी पारी खेली और मैच ड्रॉ कराने में अपना उपयोगी योगदान भी दिया। इसके बाद साल 1993 के शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 277 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी काबिलियत को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने रखा और साथ में ये भी बताया कि आने वाले दिनों में वो विश्व क्रिकेट को क्या देकर जाने वाले हैं। ये उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक भी था। वो इस पारी को अपने क्रिकेट जीवन की सबसे यादगार पारियों में से एक भी मानते हैं, इसीलिए इस पारी की याद में उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी सिडनी रखा है। इसी साल फरवरी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 128 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनकी एकदिवसीय क्रिकेट में पहली शतकीय पारी भी थी। इसके अगले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 111 रन बनाए। उनकी इस लाजवाब पारी की बदौलत दोनों ही बार वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतने में कामयाब रही और दोनों ही बार लारा को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद लारा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए। सबसे पहले उन्होंने साल 1994 के अप्रैल महीने में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में खेलते हुए अकेले ही 375 रन बना डाले और साथ ही साथ विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के एक और महान बल्लेबाज सर गैरी सोबर्स के नाम था, जिन्होंने साल 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 365 रनों की पारी खेली थी। इसी साल जून में उन्होंने काउंटी क्रिकेट में वार्विक शायर की ओर से खेलते हुए डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रनों की मैराथन पारी भी खेली और एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनके शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। साल 1998 में उन्हें वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। साल 1999 में उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
अपनी धरती पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जहां लारा ने आगे बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व किया और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को सीरीज में 2-2 की बराबरी पर रोका। इस सीरीज में लारा वेस्टइंडीज टीम के लिए वन मैन आर्मी साबित हुए। उन्होंने इस पूरे सीरीज में 3 शतकों और 1 अर्धशतक की मदद से 546 रन बनाए, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 311 रनों के मुश्किल टारगेट को पीछा करते हुए नाबाद 153 रनों की पारी खेली थी, जिसकी मदद से वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया पर 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। उनकी इस पारी को विजडन ने 100 बेस्ट पारियों में दूसरे नंबर पर रखा था। लारा को पूरे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इसी बीच उन्हें एक और झटका लगा। साल 2002 में कैंसर की वजह से उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। साल 2003 में जब मैथ्यू हेडन ने टेस्ट क्रिकेट में 380 रन बनाकर उनके 375 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा, तो दुनिया को लगा कि अब इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुमकिन नहीं है। लारा में एक और अच्छी बात यह थी कि उनका सेल्फ बिलीफ सिस्टम काफी हाई था और वो काफी कॉन्फिडेंट भी थे। जब उनका यह रिकॉर्ड टूटा, तब किसी रिपोर्टर ने उनसे आकर पूछा, क्योंकि आपका वर्षों पुराना रिकॉर्ड तो हेडन ने तोड़ दिया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो लारा ने बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि ये जो रिकॉर्ड अभी हेडन के नाम है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसे मैं खुद ही जल्दी ही बीट कर दूंगा। उस वक्त लोगों को लगा कि लारा ने जज्बात में ये बयान दिए हैं, लेकिन इसके लगभग 7 महीने बाद ही उन्होंने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर दुनिया को ये बताया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। इसी साल उन्होंने अपनी कप्तानी में वेस्टइंडीज को ICC चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भी बनाया। मार्च 2005 में लारा ने अपनी निजी केबल एंड वायरलेस स्पॉन्सरशिप डील पर विवाद के कारण वेस्टइंडीज टीम के लिए खेलने के लिए मना कर दिया था और साथ में कप्तानी भी छोड़ दी थी, क्योंकि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का स्पॉन्सरशिप DGCL के साथ था। इस वजह से वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने लारा और अन्य खिलाड़ियों को केबल एंड वायरलेस स्पॉन्सरशिप डील से हटने को कहा। इस विवाद में 6 अन्य खिलाड़ी भी शामिल थे, जिनमें स्टार खिलाड़ी क्रिस गेल, राम नरेश सरवन और ड्वेन ब्रावो भी शामिल थे, जिन्होंने वेस्टइंडीज टीम के लिए खेलने से मना कर दिया था। आखिरकार अंत में इस मामले को सुलझा लिया गया। साल 2006 में उन्हें एक बार फिर टीम की कप्तानी सौंप दी गई। इसी साल मई में उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे और भारत के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में एक तरफा जीत दर्ज की। इसके बाद इसी साल उन्होंने अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंचाया। इसी साल के अंत में उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे किए। साल 2007 के वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी टीम सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड से हारकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को कई यादगार लम्हे देने वाले इस महान खिलाड़ी ने आखिरकार इस वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वो सही मायनों में एक बेमिसाल खिलाड़ी और काबिल लीडर थे। जहां काफी मशक्कत के बावजूद पूरी टीम मिलकर भी जिस स्कोर को खड़ा कर पाने में सफल नहीं हो पाती थी, उसे लारा अकेले अपने दम पर बनाने की काबिलियत रखते थे। तो ऐसा था जलवा ब्रायन लारा का, जिनसे कई सालों तक आने वाले यंग जनरेशन प्रेरणा ले सकते हैं, या यूं कहें लेते रहेंगे। उन्होंने अब तक के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 131 टेस्ट मैचों में 52.88 की औसत से 34 शतकों और 48 अर्धशतकों की मदद से 11,953 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 400 रन है। वहीं 299 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 40.48 की औसत से 19 शतकों और 63 अर्धशतकों की मदद से 10,405 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 169 रन है। चलिए अब एक नजर डालते हैं ब्रायन लारा के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। उन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में 400 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाले वो विश्व के एकलौते कप्तान और खिलाड़ी है। टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर ऑफ इनिंग के हिसाब से सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी लारा के ही नाम है। वो टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा 34 शतक लगाने वाले पहले और अब तक के इकलौते बल्लेबाज हैं। हालांकि कई बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया है, लेकिन लारा ने जो 2 बार 13 शतक बनाया है, उन दोनों पारियों में उन्होंने 350 से ज्यादा का स्कोर बनाया है और ऐसा कारनामा करने वाले भी वो विश्व के पहले खिलाड़ी है। इसके अलावा उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड वाले बड़े स्कोर बनाए हैं, वो सभी एक ही देश इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं
और ये भी उनके नाम अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। अपने शानदार खेल के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 1994 में उनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें बीबीसी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 1995 में वो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। साल 2009 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा वेस्टइंडीज दौरे पर आए थे, तब उन्होंने ब्रायन लारा से मिलने की इच्छा जताई थी। लारा से मिलने के बाद ओबामा ने उन्हें माइकल जॉर्डन ऑफ द क्रिकेट कहा था। साल 2012 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। इतना ही नहीं, साल 2017 में उनके सम्मान में त्रिनिदाद एंड टोबेको में ब्रायन लारा स्टेडियम की स्थापना भी की गई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने लंबे समय तक चले अफेयर के बाद जर्नलिस्ट और मॉडल रही लीजल रोएडस से विवाह किया है। उनसे उन्हें दो बेटियां हैं जिनका नाम उन्होंने सिडनी लारा और टाइला लारा रखा है। इससे पहले वो डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब के रिसेप्शनिस्ट और ब्रिटिश मॉडल रही लिंसी वार्ड और मिस स्कॉटलैंड रही जेमी बोवर्स के साथ अफेयर की वजह से भी काफी चर्चा में रहे थे। वो पर्ल एंड बंटी लारा फाउंडेशन नाम से एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच हेल्थ और सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाना और उन्हें जागरूक बनाना है। इसके अलावा उन्होंने साल 2013 में ब्रायन लारा एन अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी नाम से अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश की है। उन्हें खाली समय में गोल्फ खेलना काफी पसंद है और इतना ही नहीं, वो इस खेल में कई टाइटल्स भी जीत चुके हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अपने एरा के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। उनके बारे में बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज रहे ग्लेन मैग्रा ने यहां तक कह दिया था, मेरे नजर में ब्रायन लारा मेरे एरा के सबसे महान खिलाड़ी है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला। तो दोस्तों, ये तो थी वेस्टइंडीज के सर्वकालीन महान बल्लेबाजों में से एक ब्रायन लारा की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।